Hello everyone, this is Sana Parveen here and welcome to my channel Sana's Biochemistry. If you haven't subscribed to the channel yet, please do. We have started with a 45 days session for the examination NEET, which is going to be held on 26th of July, Sunday. Every day we're going to upload a video, and every video is going to consist of 15 questions, solved questions from previous year's NEET papers. I'll be uploading every video, each video every day. This is the first day, and these are the 15 first questions that we will be solving in today's video. I will be keeping the video in Hindi as well, so that many people will be benefited. Some people are not that able to connect with the English language. तो फिर हम हिंदी में ज़्यादा डिस्कस करेंगे, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हमारे एस्पिरेंट्स हैं, उनको समझ में आए. फर्स्ट क्वेश्चन, द वे दैट वी विल बी सॉल्विंग, आई विल फर्स्ट ट्राई टू मेक इट वेरी क्लियर, बिकॉज आई डोंट वांट एनीबडी गेटिंग डिसअपॉइंटेड. द वे दैट वी विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चन इज, फर्स्ट आई विल रीड द क्वेश्चन, आई विल रीड द ऑप्शंस, आई विल गिव यू 3 to 4 seconds to self analyze yourself कि आंसर क्या हो सकता है. उसके बाद I will tell you the answer. आंसर के बाद हम हर एक ऑप्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे. ओके, तो अगर आपको एकदम फास्ट फॉरवर्ड वीडियो चाहिए, तो आप खुद वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, क्योंकि हम जो है वो ज़्यादा डिटेल में जाएंगे, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे. यहाँ पे मैं कंटेंट एक्सप्लेन नहीं करूँगी. ओके, चैप्टर वाइज कंटेंट मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी. यहाँ पे हम जो वीडियो अपलोड करेंगे वो सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो होगा. बाकी दूसरे चैनल्स हैं, काफ़ी अच्छा वहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप वहाँ पे जा सकते हैं, आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं, एंड देन यू कैन कम बैक टू माई चैनल, बिकॉज इन दिस आई वॉन्ट टू मेक वेरी क्लियर, वी विल बी सॉल्विंग ओनली क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम प्रीवियस ईयर नीट क्वेश्चन पेपर्स. लेट अस जस्ट बिगिन देन. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हियर is colostrum the yellowish fluid secreted by mother during the initial days of lactation is very essential to impart immunity to the newborn infant because it contains natural killer cells, monocytes, macrophages, immunoglobulin A. I'll give you 3 seconds for you to answer the question. ओके, सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज इम्यूनोग्लोबिन ए. इम्यूनोग्लोबिन ए जो है ये करेक्ट आंसर है. इम्यूनोग्लोबिन ए क्लॉस्ट्रम जो होता है, अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्लॉस्ट्रम क्या होता है. क्लॉस्ट्रम जो होता है ये, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट मिल्क. फर्स्ट मिल्क इट इज येलो इन कलर, येलो कलर में होता है. ये कौन प्रोड्यूस करता है? मैमल्स प्रोड्यूस करते हैं, मैमरी ग्लैंड्स में से प्रोड्यूस करते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स. जब कभी कभी क्या होता है कि इमीडिएटली वंस द न्यू बॉर्न इज बॉर्न, उसके डिलीवरी के बाद होता है, या किसी किसी स्पीशीज के अंदर क्लॉस्ट्रम जो है वो बर्थ जब मदर देती है उससे पहले ही क्लॉस्ट्रम जो है सिक्रीट होने लगता है. क्लॉस्ट्रम जो है ये एंटीबॉडीज कंटेन करता है. इट कंसिस्ट ऑफ एंटीबॉडीज जिसको हम इम्यूनोग्लोबिन्स भी बोलते हैं. एंटीबॉडीज को हम इम्यूनोग्लोबिन्स भी बोलते हैं. ये इम्यूनोग्लोबिन्स क्या है? ये प्रोटीन्स होते हैं. तो जो क्लॉस्ट्रम होता है ये प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन इसमें ज़्यादा होता है. कुछ कुछ इसमें क्या होता है कि जो किस कोई दूसरे स्पीशीज का जो मिल्क होता है उसमें ज़रा फैट कंटेंट भी ज़्यादा हो सकता है. तो अलग अलग स्पीशीज के क्लॉस्ट्रम में जो है कॉम्पोजिशन जो है वो अलग अलग होती है. क्लॉस्ट्रम में इम्यून सेल्स होते हैं. ओके, इम्यून सेल्स को हम लिम्फोसाइट्स बोलते हैं, जो कि इम्यूनोग्लोबिन जो कि जिसमें इम्यूनोग्लोबिन होता है. इम्यूनोग्लोबिन ए को छोड़ के और कौन से इम्यूनोग्लोबिन है जो क्लॉस्ट्रम में प्रेजेंट होते हैं? वो है IgG एंड IgM. ओके, तो ये सारे एंटीबॉडीज होते हैं, इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं, जो कि हमारे क्लॉस्ट्रम मैमेलियन क्लॉस्ट्रम में जो है प्रेजेंट होते हैं. ओके, सो दिस आंसर टू दिस क्वेश्चन इज इम्यूनोग्लोबिन ए. बाकी जो ऑप्शन है जरा उसको भी हम देख लेते हैं, उसका क्या एक्सप्लेनेशन है. नेचुरल किलर सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स को हम NK सेल्स बोलते हैं. ओके, या सिर्फ के सेल्स भी बोलते हैं, सिर्फ किलर सेल्स भी बोलते हैं. ये एक टाइप का WBC है, एक टाइप का लिम्फोसाइड है, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम में मदद करता है. ये
ओके, तो ये इम्यून सिस्टम में जो है इसका इन्वॉल्वमेंट होता है. नेक्स्ट इज मोनोसाइट्स. मोनोसाइट मोनोसाइट भी क्या है, ये WBC का टाइप है. ये WBC का टाइप होता है और ये क्या करता है, ये भी हमारे इम्यून सिस्टम में इन्वॉल्व होता है. लास्ट वन जो है ये मैक्रोफाज है. मैक्रोफाज क्या होता है, मोनोसाइट जो है ये जब डिफरेंशिएट हो जाते हैं तो ये मैक्रोफाजेस बनाते हैं. मैक्रोफाजेस जो है ये भी इम्यून सिस्टम का ही एक क्या होता है, पार्ट होता है. तो आंसर ये फर्स्ट का है, ऑप्शन नंबर 4. तो दैट इज इम्यूनोग्लोबिन ए विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंटी बॉडी. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. ओके, आई विल रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. ग्रास लीव्स कर्ल इनवर्ड्स ड्यूरिंग वेरी ड्राई वेदर. सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर द फॉलोइंग. फर्स्ट, क्लोजर ऑफ स्टोमाटा. सेकेंड, फ्लैसिडिटी ऑफ बुलिफॉर्म सेल्स. थर्ड, श्रिंकेज ऑफ एयर स्पेसेस इन स्पंजी मीसोफिल्स. और फोर्थ है टाइलोसिस इन वेसल्स. आई विल गिव यू 3 सेकेंड्स टू सेल्फ एनालाइज योर सेल्फ. ओके, तो यहाँ पे आंसर जो है, ये क्वेश्चन का आंसर है फ्लैसिडिटी ऑफ बुलिफॉर्म सेल्स इज द करेक्ट आंसर. अब ये बुलिफॉर्म सेल्स क्या होते हैं, ये बुलिफॉर्म्स, अच्छा बुलिफॉर्म सेल्स डिस्कस करने से पहले आई वांट टू शेयर समथिंग. कंसेप्ट हम कैसे समझ सकते हैं, फॉर एग्जांपल कंसीडर करो एक टैप है, ठीक है. टैप में जो है मैंने बलून लगाया हुआ है. जब टैप में से क्या होता है, पानी हम इसको फ्लो करने लगते हैं टैप में, तो क्या होता है, ये जो बलून है ये एकदम क्या हो जाता है, ये फूल जाता है एकदम, ये मोटा हो जाता है, राइट. बिकॉज इसमें पूरा क्या है, ये इसमें पानी भरा हुआ है. अब जो है इसमें पानी क्या है, इसमें पानी कम है, तो ये क्या होगा, ये श्रिंक हो जाएगा और ये जो है ये यहाँ पे मोटा हो जाएगा. तो अगर हम सेल्स की बात करें, ठीक है, अगर हम प्लांट सेल्स की बात करें, तो जब सेल्स श्रिंक हो जाते हैं तो इन सेल्स को हम बोलते हैं फ्लैसिड. जब सेल्स श्रिंक हो जाते हैं तब इनको हम बोलते हैं फ्लैसिड. जब सेल्स जो है ये मोटे हो जाते हैं, जब इनमें पानी भर जाता है, जब ये पूरा पानी कंटेन करते हैं इनसाइड, तो इसको सेल्स को हम बोलते हैं टर्जिड. ये सेल्स को हम क्या बोलते हैं, टर्जिड, ठीक है. तो ये आपको याद रखना है, फिर हम बुलिफॉर्म सेल्स के बारे में बात करते हैं. ओके, तो बुलिफॉर्म सेल्स जो है ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, बुलिफॉर्म सेल्स. इसको हम जो है मोटर सेल्स भी बोलते हैं, वी कॉल देम टू बी मोटर सेल्स. और ये जो है लार्ज होते हैं, बबल शेप में होते हैं. और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये मोनोकॉट के अपर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं. क्योंकि बुलिफॉर्म सेल्स, देखो हम लोग क्या बात कर रहे थे, हम ग्रास की बात कर रहे थे, तो ग्रास डेफिनेटली क्या है, ग्रास जो है ये मोनोकॉट है. तो मोनोकॉट होगा, तो ये जो बुलिफॉर्म सेल्स होंगे ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, अपर सरफेस पे, लीफ के अपर सरफेस पे ये जो है ये प्रेजेंट होते हैं. बुलिफॉर्म सेल्स जो है ये एक टाइप के एपिडर्मल सेल्स हैं. एपिडर्मल सेल्स मतलब ऊपर, ओवर स्किन. एपिडर्मिस का मतलब ही ओवर स्किन होता है, मतलब ऊपर की तरफ ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. अब यहाँ पे ये होता है कि जो हमारे बुलिफॉर्म सेल्स हैं ये क्या करते हैं, जब ये हमारा जो ये लीफ है, और यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, ड्राई वेदर है, तो चलो मैं सन यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ, ड्राई वेदर है ये. तो यहाँ पे क्या होता है कि जो बुलिफॉर्म सेल्स है ये ड्राई वेदर में, सनी वेदर में क्या होता है, इनका जो वाटर है ये वाटर जो है ये बाहर चला जाता है, राइट. बुलिफॉर्म सेल्स का वाटर कहाँ जा रहा है, ये बाहर निकल जा रहा है, बिकॉज ट्रांसपीरेशन हो रहा है. जब वाटर बाहर हो जाता है, तो मैंने क्या बोला था, जब वाटर निकल जाता है, ये टैप है, टैप में हमने लगाया था ये बलून लगाया था, बलून में अभी तक पानी नहीं है, पानी आएगा तो क्या होगा, ये मोटा हो जाएगा, राइट. तो अभी पानी नहीं है इसमें, पानी नहीं होने की वजह से क्या होता है, वो श्रिंक हो जाता है. श्रिंक हो जाने की वजह से ये जो लीफ है हमारी, ये क्या होती है, कर्ल अप हो जाती है, राइट. अगर पानी होगा तो ये स्ट्रेट रहेंगी, पानी नहीं होगा तो क्या होंगी, श्रिंक हो जाएंगी, कर्ल अप हो जाएंगी, जैसे हमने बलून का एग्जाम्पल लिया था, ठीक है. तो यही फिनोमेना होता है टच मी नॉट प्लांट में, माइमोसा प्लांट में, जो कि माइमोसा प्लांट में होता है. तब यहाँ पे क्या होता है, ये जो है ये फ्लैसिडिटी हो जाती है. तो आंसर इज गोइंग टू बी फ्लैसिडिटी ऑफ बुलिफॉर्म सेल्स. बाकी के एग्जाम, बाकी के ऑप्शंस जो है, अगर हम डिटेल में कभी और किसी वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे. तो आंसर यहाँ पे फ्लैसिडिटी ऑफ बुलिफॉर्म सेल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके,
वी हैव गॉट द शॉर्टर आर्म एंड द लॉन्गर आर्म ऑफ सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स आर रेफर्ड टू एज एस आर्म एल आर्म रिस्पेक्टिवली, पी आर्म क्यू आर्म रिस्पेक्टिवली, क्यू आर्म पी आर्म रिस्पेक्टिवली, एम आर्म एन आर्म रिस्पेक्टिवली. ओके सो आई एम सो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस पीपल, जस्ट डोंट जस्ट जस्ट इग्नोर दैट. ओके सो वी हैव गॉट योर वॉट. सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ, ये जो है हमारे क्रोमोसोम्स के टाइप होते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम के टाइप्स होते हैं. तो क्रोमोसोम के टाइप्स में अगर क्रोमोसोम ऐसा दिख रहा है, क्रोमोसोम क्या हो रहा है, ऐसा दिख रहा है, ठीक है. नेक्स्ट केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रोमोसोम जो है ये ऐसा दिखता है. आई विल ड्रॉ फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीथिंग. ओके यहाँ पे ये ऐसा हो गया और ये मैं चार टाइप के क्रोमोसोम्स ड्रॉ कर देती हूँ, फिर हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या है. ओके ठीक है. आई डोंट नो पीपल आर कॉन्ग्रेचुलेटिंग मी फॉर व्हाट, आई नीड टू गो एंड सी दैट. अभी मैं वीडियो खत्म करके देखूंगी. ओके ठीक है, मुझे भी नहीं पता क्यों कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं मुझे. सेंट्रोमियर, ओके पीपल जस्ट फॉरगेट अबाउट दैट. सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर है, और ये जो सेंट्रोमियर है इसमें ये जो ऐसा क्रोमोसोम होता है इसको हम बोलते हैं टीलोसेंट्रिक. ओके जगह नहीं है, मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ, टीलोसेंट्रिक. ओके ठीक है. नेक्स्ट वाला जो है इसको हम बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक. ओके नेक्स्ट वाला इसको हम बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक, और ये है हमारा मेटासेंट्रिक. ओके तो ये जो टाइप के क्रोमोसोम्स है, टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक एंड मेटासेंट्रिक. सब मेटासेंट्रिक का हमको पूछा है कि जो आर्म्स है उसके उनको हम क्या बोलते हैं. तो ऊपर वाला जो आर्म है ना पीपल, लेट मी जस्ट सिलेक्ट कलर. ऊपर वाला जो आर्म है ना पीपल इसको हम बोलते हैं पी क्रोमोसोम, पी आर्म, और नीचे वाला जो आर्म है उसको हम बोलते हैं क्यू आर्म. ओके ये याद कैसे रखना है, एक इंग्लिश का वर्ड है पिटीट. ओके पिटीट का मतलब है स्मॉल टाइनी. ओके नॉट स्मॉल टाइनी, तो पिटीट का मतलब है स्मॉल टाइनी. तो जो शॉर्ट आर्म होता है, एज यू कैन सी हियर, ये जो आर्म है ये शॉर्ट है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं पिटीट आर्म, पी जिससे हम रिमेम्बर कर सकते हैं. और ये जो क्यू है ये क्या होगा, डेफिनेटली पी नहीं है, तो क्यू जो होगा वो बड़ा वाला आर्म होगा. तो आंसर देख लेते हैं यहाँ पे हमारा क्या है. आंसर है द शॉर्टर एंड द लॉन्गर आर्म, पहले शॉर्टर पूछा है फिर लॉन्गर पूछा. द सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स आर रेफर्ड टू एज, क्या बोलते हैं इसको हम लोग. ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर टू हो जाएगा पी आर्म. शॉर्टर आर्म पी आर्म होता है, लॉन्गर आर्म क्यू आर्म होता है. ओके चलो आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट वैल्यू ऑफ ट्राइपाल्मिटिन इज 0.9, 0.7, 0.07, 0.09. व्हाट इज द थिंग हियर, रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट क्या होता है. इफ यू पीपल हैव एनालाइज्ड योरसेल्फ, तो मैं आंसर बता देती हूँ. इसका आंसर है पीपल ट्राइपाल्मिटिन, पहले मुझे बताना पड़ेगा कि क्या है, पहले मैं आंसर बता देती हूँ. 0.7 इज द करेक्ट आंसर फॉर ट्राइपाल्मिटिन. अब देखो रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट क्या होता है ये मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट क्या होता है यहाँ पे. ओके ठीक है चलो. रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट जो है ये एक रेशियो होता है, ठीक है, रेशियो होता है किसका, रेशियो होता है कि रेशियो ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी टू ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय द बॉडी. ओके कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है और कितना ऑक्सीजन जो है वो क्या हो रहा है, वो कंज्यूम हो रहा है यहाँ पे. तो आई विल राइट हियर आर क्यू, दैट इज रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड. ओके इसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट पर यूनिट टाइम. जैसे अभी रेशियो है तो डेफिनेटली इसका क्या होगा, यूनिट नहीं होगा. तो रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट का एडवांटेज क्या है, ये हमको बीएमआर कैलकुलेशन में यूज होता है, बीएमआर कैलकुलेशन में यूज होता है. एंड इट इज व्हाट, एज आई टोल्ड यू द डेफिनेशन ऑलरेडी, बीएमआर कैलकुलेशन में यूज होता है. अब जो है ये इसमें हमारे पास जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं ये क्या होते हैं, लिपिड, ठीक है. लिपिड का जो रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट है ये है 0.7. ओके प्रोटीन का जो रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट है ये है 0.8. कार्बोहाइड्रेट्स का जो रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट है, कार्बोहाइड्रेट्स का रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट है 1. ओके अब पीपल ट्राइपाल्मिटिन जो है ये क्या है, ये ट्राइग्लिसराइड है, ट्राइग्लिसराइड है, ठीक है. किस चीज का ट्राइग्लिसराइड है ये पाल्मिटिक एसिड का ट्राइग्लिसराइड है. ओके पाल्मिटिक एसिड,
पाल्मिटिक एसिड सबको पता होगा, 16:0, ये जो है इसका एक स्ट्रक्चर होता है, ये फैटी एसिड है पाल्मिटिक एसिड। पाल्मिटिक एसिड का अगर हम स्ट्रक्चर एक्चुअली बहुत बड़ा हो जाएगा तो 16 इसमें कार्बन होता है, और ये 3 बार जब पाल्मिटिक एसिड होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राई पाल्मिटिन, विच इज अटैच टू वन मोर यूनिट, वन मोर मॉलिक्यूल। तो ये क्या हो गया, ये लिपिड हो गया, ट्राई पाल्मिटिन जो हो गया लिपिड। लिपिड का मैंने क्या बताया था, रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट इज 0.7। आगे चलते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कमर्शियल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट? हमारे जो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल होता है इसको लोवर करने के लिए जो एजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लोस्पोरिन ए, स्टैटिन, स्ट्रेप्टोकाइनेज, लाइपेज। आई गिव यू 3 सेकेंड्स फॉर यू टू आंसर, प्रॉब्ली वी शुड गो लाइव। ओके ठीक है, तो आंसर पीपल क्या है यहाँ पे, स्टैटिन इज दी आंसर। स्टैटिन होता है, ये स्टैटिन को हम और भी एक नाम से पहचानते हैं, एच एम जी कोए रिडक्टेज इनहिबिटर, रिडक्टेज इनहिबिटर। ओके, ये है स्टैटिन का दूसरा नाम, ठीक है, एच एम जी कोए रिडक्टेज इनहिबिटर। स्टैटिन करता क्या है, ये जो है ये क्या करता है, ये स्टैटिन है, ये एच एम जी कोए जो एंजाइम है, एच एम जी कोए रिडक्टेज ये एंजाइम है, इसको जाके इनहेबिट कर देता है। ओके, द इनहेबिट द एंजाइम एच एम जी कोए रिडक्टेज विच प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो ये एंजाइम है, ये क्या कर रहा है, ये कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन कर रहा है। ओके ठीक है, ये मैं ड्रॉ कर देती हूँ। चलो, ये एंजाइम है, ये क्या कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस कर रहा है। स्टैटिन आएगा और इसको क्या कर देगा, इनहेबिट कर देगा। तो अगर ये इनहेबिट हो रहा है पीपल, अगर ये इनहेबिट हो रहा है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे इनहेबिट हो गया तो क्या करेगा, ये कोलेस्ट्रॉल नहीं बना पाएगा। तो अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं बना पाएगा तो कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है बॉडी में ये क्या हो जाएगा, ये लेवल जो है कम हो जाएगा, राइट। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्टैटिन इज द करेक्ट आंसर। और साइक्लोस्पोरिन ए का काम क्या है, साइक्लोस्पोरिन ए का काम जो है ये एक इम्यूनो सप्रेसेंट है पीपल, ये हमारी इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है। कभी हमको ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करवाना होता है तो हमारी इम्यून सिस्टम जो है सप्रेस होना चाहिए, वरना अपना इम्यून सिस्टम क्या करेगा, ऑर्गन को बाहर रिजेक्ट कर देगा। तो उस टाइम पे हमको इम्यूनो सप्रेशन की जरूरत पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं साइक्लोस्पोरिन। लाइपेज क्या करता है, हाइड्रोलिसिस करता है फैट का। और स्ट्रेप्टोकाइनेस क्या करता है, हमारे जो बॉडी में फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं ब्लड क्लॉट हो गया है जिसकी वजह से मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, हार्ट अटैक हो सकता है, तो उसमें ब्लड क्लॉट को कम करने के लिए हम यूज करते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, मैच द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स विद द रिस्पेक्टिव लोकेशंस इन ऑर्गन। क्रिप्स ऑफ लैम्बर्गन, पैनक्रियाज, ग्लिसन कैप्स्यूल, ड्यूओडेनम, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, स्मॉल इंटेस्टाइन, ब्रूनर्स ग्लैंड, लिवर। तो हमको क्या करना है, इसमें मैच करना है, पहले हमको पता होना चाहिए क्रिप्स ऑफ लुब्रिकन ये कहाँ पे होता है। क्रिप्स ऑफ लुब्रिकन इट इज प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन, इट्स एन इंटेस्टिनल ग्लैंड। ओके, ये यहाँ पे जरा मैं लिख देती हूँ। ओके, आई एम गोना राइट हियर समथिंग, क्रिप्स ऑफ लुब्रिकन। ओके, क्रिप्स ऑफ ल्यूबरकन क्या है, इट इज एन इंटेस्टिनल ग्लैंड, इंटेस्टिनल ग्लैंड है। और ये ग्लैंड है तो इसमें क्या होंगे, सेल्स होंगे, और इसके जो सेल्स है इनको हम बोलते हैं पैनिथ सेल्स, ठीक है, ये पैनिथ सेल्स होते हैं। और ये क्या करते हैं, इंटेस्टिनल ग्लैंड है तो ये इंटेस्टिनल जूस जो है सिक्रीट करते हैं, ठीक है। और ये ल्यूबरकन जो है ये जर्मन एनाटोमिस्ट का नाम था। ओके, तो ये हो गया हमारा क्रिप्स ऑफ लुब्रिकन, हमने देख लिया है। नेक्स्ट जो हमको देखना है वो क्या है, ग्लिसन कैप्सूल क्या होता है। तो ग्लिसन कैप्सूल जो है ना पीपल, ये इसमें हमको लिवर पढ़ना पड़ेगा, जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, जो जैसे कि अपना ब्रेन है, जैसे कि अपना हार्ट है, ठीक है। तो ये जो है क्या होता है, इसमें इनके साइड में एक लेयर होती है पीपल, इनके साइड में एक लेयर होती है, क्योंकि ये डेलिकेट ऑर्गन से इनको प्रोटेक्शन की तो जरूरत होती है। जैसे यहाँ पे हार्ट के अराउंड एक लेयर होती है, ब्रेन के अराउंड एक लेयर होती है, वैसे ही हमारा जो लिवर है ये वाइटल ऑर्गन है, और लिवर के सराउंडिंग में भी क्या होती है, एक लेयर होती है, और इसी लेयर को हम क्या बोलते हैं, इस लेयर को हम बोलते हैं
ओके, दिस इज कॉल्ड एज ग्लिसन्स कैप्सूल, ठीक है। और ये नाम भी किसके ऊपर है? ये फ्रांसिस ग्लिसन के ऊपर है। ये क्या थे? ये ब्रिटिश फिजिशियन थे, एनाटमिस्ट थे, और फिर ये पैथोलॉजिस्ट थे, जो कि अराउंड काफी पुराने थे। 1677 में इनकी डेथ हो गई थी। आगे चलते हैं। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैम, ये तो सबको पता ही है कि ये जो क्या होते हैं, ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैम जो है, ये स्फेरिकल ग्लैंड्स होते हैं। कहाँ पे? पैनक्रियाटिक डक्ट में। तो ये कहाँ पे होते हैं? पैनक्रियाज में होते हैं। और आइलेट्स ऑफ लैंगरहैम अगर हम देखेंगे, इसमें तीन टाइप के सेल्स होते हैं। कौन से सेल्स होते हैं पीपल? यहाँ पे हमारे पास होते हैं अल्फा सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स होते हैं, और डेल्टा सेल्स होते हैं। ये मैं जरा डिटेल में जा रही हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें हमको पता होनी चाहिए। तो अल्फा सेल्स है, ये क्या प्रोड्यूस करेंगे? ये ग्लूकागॉन प्रोड्यूस करेंगे। बीटा सेल्स क्या प्रोड्यूस करेंगे? इंसुलिन प्रोड्यूस करेंगे। डेल्टा सेल्स हम डिस्कस नहीं करेंगे फिलहाल के लिए। ये दोनों भी इन्वॉल्व है ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में। तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैम कहाँ पे प्रेजेंट है? पैनक्रियाटिक डक्ट के यहाँ पे, पैनक्रियाज में प्रेजेंट है। और जो लास्ट वाला है हमारा, ब्रूनर्स ग्लैंड। तो पीपल, ब्रूनर्स ग्लैंड। ब्रूनर्स ग्लैंड जो है, ये ब्रूनर भी एक स्विस एनाटमिस्ट थे, और ये हमको मिलता है ड्यूओडेनल ग्लैंड। दिस इज व्हाट अनदर नेम फॉर दिस इज ड्यूओडेनल ग्लैंड। अब ड्यूओडेनम क्या है? ड्यूओडेनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन। स्टमक के बाद का, जो जहाँ से इंटेस्टाइन शुरू होती है, तो फर्स्ट पार्ट जो होता है वो अपना ड्यूओडेनम होता है। और ये जो है ब्रूनर्स ग्लैंड जो है, ड्यूओडेनल ग्लैंड है। तो आंसर अगर हम देख लेंगे, तो आंसर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का मैच करके अगर हम देखेंगे, तो आंसर आता है थर्ड वाला है, जो देखो ए का क्रिप्ट ऑफ लुब्रिकन का कहाँ पे? ये स्मॉल इंटेस्टाइन में है। बी जो है ग्लिसन्स कैप्सूल कहाँ पे है? ये लिवर में है। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैम कहाँ है पीपल? पैनक्रियाज में है। ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ पे है पीपल? ड्यूओडेनम में है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग। यू कैन ऑल्सो कमेंट सो दैट आई गो थ्रू द कमेंट एंड नो व्हाट योर डिफिकल्टी इज ऑल अबाउट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज फॉर एनिमल एंड प्लांट बीइंग ड्रिवन टू एक्सटेंशन? खत्म होने की कगार पे प्लांट्स और एनिमल्स आ जाते हैं किस वजह से? हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ड्रॉट एंड फ्लड, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीशीज इन्वेजन? किसकी वजह से क्या हो रहा है? ये जो हमारे एनिमल्स एंड प्लांट्स है, जो हमारे फ्लोरा एंड फौना है, ये एक्सटिंक्ट होने के कगार पे आ चुके हैं। तो ये एक्चुअली जो चारों भी हमको दिए हुए, इसका आंसर मैं बता देती हूँ। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ये जो चारों पॉइंट यहाँ पे दिए, इनको बोलते हैं ईविल क्वार्टेट। मतलब चारों भी जो ऑप्शन है, उनकी वजह से जो है एक्सटेंशन होता है, लेकिन हमको क्या चाहिए यहाँ पे? मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज चाहिए कि ये क्यों एक्सटेंड हो रहा है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज अगर हम देखने की कोशिश करेंगे, तो आंसर आ जाता हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है कि ये यहाँ पे देखो, हैबिटेट लॉस जो है, जिस अमेजोन रेन फॉरेस्ट में हुआ था अभी, हैबिटेट लॉस जो, ये नेचुरल भी हो सकता है पीपल, ये नेचुरल भी हो सकता है, ये मैन मेड भी हो सकता है, ठीक है। मैन मेड हैबिटेट लॉस कैसे होता है? फ्रेगमेंटेशन का मतलब है कोई एरिया है, एरिया को हम कट कर रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग बिल्डिंग खड़ी कर दे रहे हैं, हम रोड बना दे रहे हैं, तो उसको हम फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। हैबिटेट लॉस नेचुरली कैसे होगा? देखो, अगर आग लग गई, ठीक है, ये अमेजोन का मैंने एग्जाम्पल दिया था, फ्लड आ गया है, ठीक है, तो यहाँ पे इसके वजह से क्या होता है? ये नेचुरल है, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ये जरा अमेजोन का आई डोंट वांट अ कमेंट। तो ठीक है, चलो। तो हैबिटेट लॉस जो है, ये क्या हो रहा है? नेचुरल भी हो सकता है, मैन मेड भी हो सकता है। मेजर इसका आंसर है फ्रेगमेंटेशन, जो मैंने बताया अभी। इसको हम लैंड को हम स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट्स में कट कर देते हैं, हमारे यूज के लिए बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं, डिफॉरेस्टेशन कर देते हैं, यहाँ पे हम रोड बना देते हैं, डैम्स कंस्ट्रक्शन। तो हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन एक्चुअली इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, जो कि ये बाकी के ऑप्शंस कहीं ना कहीं यहाँ पे कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट इज, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्मो रेगुलेशन? ऐसा क्या है जो थर्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है? सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, कॉर्पस्कुलोसम, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। 3 सेकेंड्स, सेल्फ एनालाइज। बात तब तक मैं जो है डायग्राम बना देती हूँ ब्रेन का। ये मैंने एक, मेरे एक्चुअली आई एम अ फैन ऑफ हिज टीचिंग, डॉक्टर नजीब टॉट मी दिस, सो आई एम गोना टीच माय स्टूडेंट्स टू।
तो ये जो है व्यूअर्स, ओके, ये ज्यादा अच्छा नहीं बना, डॉक्टर नजीब ज्यादा अच्छा बनाते हैं। ये हो गया सेरिब्रम, मेरा स्पेस नहीं यहाँ पे तो ये जरा ड्रॉफ दिख रहा है। सेरिब्रम, ये है सेरिबेलम, सेरिबेलम, देन यू हैव गॉट यहाँ पे ये हो गया मेड्यूला, ओके, काफी अच्छा से पढ़ाते हैं वो। पॉन्स हो गया ये, और ये जो है यहाँ पे मिड ब्रेन होता है, ठीक है, मिड ब्रेन, तो ये याद रखना है, जस्ट मैंने इसे ड्रॉ कर दिया था बिकॉज यू पीपल वर सेल्फ एनालाइजिंग योर सेल्फ। ओके ठीक है, अभी तक आंसर हो गया होगा। आंसर इज हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस इसका आंसर है। हाइपोथैलेमस इज इन्वॉल्व पीपल इन द थर्मो रेगुलेशन, हमारे बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करने में इन्वॉल्व होता है हाइपोथैलेमस, क्योंकि अगर ज्यादा ऊपर नीचे टेम्परेचर हो गया, हाइपोथर्मिया हो गया, बहुत कम टेम्परेचर हो गया, तो हमारी बॉडी को डैमेज हो सकता है, बॉडी काम नहीं करेगी। ओके तो ऐसी कौन कौन सी चीजें जिनके वजह से हमारा बॉडी फ्लक्चुएशन होता है, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन होता है, फीवर, एक्सरसाइज, डाइजेशन, ड्रग यूज, अल्कोहल यूज अगर तुम कर रहे हो तो यू नो डेफिनेटली ये यहाँ पे जो है यू नो टेम्परेचर वेरी हो सकता है। ओके ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। और फिर अगर अगर आपको इफ यू वॉन्ट योर इफ योर बॉडी नीड्स टू कूल डाउन, अगर तुम्हारी बॉडी को कूल डाउन होना है तो वो क्या करेगी, वो या तो वो स्वेट करेगी या तो वैसो डायलेशन कर देगी, मतलब जो ब्लड वेसल्स है उनको वाइडन कर देगी, ठीक है, तो बॉडी इसके वजह से कूल होती है। और अगर बॉडी को वार्म अप होना है तो वैसो कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, तो तुम्हारी ब्लड वेसल्स है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी। एंड एक और चीज है यहाँ पे थर्मोजेनेसिस, हमारी बॉडी जो है हीट प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखती है, मसल के ऑर्गेन्स है, ऑर्गेन्स है, ऑर्गेन्स है, मसल्स है, ब्रेन है, तो ये क्या करती है, थर्मोजेनेसिस करती है। हार्मोनल थर्मोजेनेसिस भी एक चीज होती है, लेकिन वो हम डिस्कस अभी नहीं करेंगे, चलो आगे चलते हैं इसके साथ ही। ओके दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल बकवास सा क्वेश्चन, शुड नॉट बी सेइंग दिस, ओके सो सॉरी। कंसिडर द फॉलोइंग फीचर्स, ऑर्गेन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलैटरल सिमेट्री, ट्रू सीलोमेट्स विद सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ एनिमल ग्रुप्स विच पोसेसेस ऑल द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट एनलीथ्स आर्थ्रोपोड कॉर्डेटा, सेकेंड एनलीथ्स आर्थ्रोपोड मोलस्का, सी आर्थ्रोपोड्स मोलस्का कॉर्डेटा, फोर्थ एनलीडा मोलस्का कॉर्डेटा। ओके 3 seconds एंड आई विल बी टेलिंग यू द आंसर। इस क्वेश्चन में ज्यादा एक्सप्लेनेशन है नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो हमको क्या करना है यहाँ पे, हमको ये सब चीजें लेके चलनी है, ऑर्गन भी होना चाहिए, बायलैटरल सिमेट्री भी होना चाहिए, ट्रू सीलोमेट विद सेगमेंटेशन ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे बहुत ऑब्वियस सी बात है, जो मॉलिस्क होते हैं, एग्जाम्पल स्नेल एंड ऑक्टोपस, स्नेल एंड ऑक्टोपस में सेगमेंटेशन नहीं होता है, तो जहां जहां पे मॉलिस्क होंगे वो सब क्या होगा, वो जो वो तो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। तो बचा कौन, बचा तो सिर्फ एक ही है, एनलीथ आर्थ्रोपोड्स एंड कोडेटा। ओके तो आंसर होगा हमारा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट इज सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन्स इन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ, फैरिंग्स, ईसोफेगस, क्रॉप, गिजार्ड, इलियम, कोलन, रेक्टम। सेकेंड फैरिंग्स, ईसोफेगस, गिजार्ड, क्रॉप, इलियम, कोलन, रेक्टम। थर्ड फैरिंग्स, ईसोफेगस, गिजार्ड, इलियम, क्रॉप, कोलन, रेक्टम। फोर्थ फैरिंग्स, ईसोफेगस, इलियम, क्रॉप, गिजार्ड, कोलन, रेक्टम। इसके लिए हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ओके डिटेल में मैं एक वीडियो बना दूंगी रिलेटेड टू एलिमेंट्री कैनाल, अभी यहाँ पे जस्ट हम या ये देख लेते हैं कि सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस जो है वो क्या होता है इन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ द कॉकरोच। तो यहाँ पे देखो पहले फैरिंग्स है, ईसोफेगस, क्रॉप, गिजार्ड, उसके बाद इलियम पूछा था और कोलन पूछा था, ठीक है, तो ये अपना सीक्वेंस है। सीक्वेंस के हिसाब से अगर हम जाएंगे तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा चेक करना पड़ेगा क्या हो जाएगा, अपना ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1, फैरिंग्स, ईसोफेगस, क्रॉप, गिजार्ड, 11th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक में है ये पूरा डायग्राम बना हुआ है, इलियम, कोलन, रेक्टम। आई होप यू एवरीवन हैज बॉट एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक और एटलीस्ट हैव अ पीडीएफ। इफ यू डोंट हैव द पीडीएफ आई विल बी सेंडिंग यू ऑन माय टेलीग्राम चैनल सनाज बायोकेमिस्ट्री, वहां पे मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगी। अगर एनसीईआरटी की पीडीएफ नहीं है, लॉकडाउन में नहीं मिल रही टेक्स्ट बुक, तो आई एम गोना सेंड यू एंड यू कैन कलेक्ट इट फ्रॉम देयर। फॉर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब टू माय टेलीग्राम चैनल टू एंड टू माय यूट्यूब चैनल टू, ओके, ताकि इट्स योर फॉर योर बेनिफिट। ओके नहीं करना है अप टू यू, चले आगे चलते हैं। ओके
आगे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ गैसेस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट. ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या क्या गैसेस जो है रिस्पॉन्सिबल होती है. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज होता है पीपल 60% होता है. मीथेन का परसेंटेज होता है 20% होता है. देन वी हैव गॉट सीएफसीज का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो 14% होता है. एंड N2O जो गैस है इसका 6% कॉन्सेंट्रेशन है. तो इफ यू गो अकॉर्डिंग टू परसेंटेज 60 and 20 आंसर इज गोइंग टू कम आउट एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन. ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. वी मूव ऑन फर्दर. विच ऑफ द फॉलोइंग मस्कुलर डिसऑर्डर्स इज इनहेरिटेड. इनहेरिटेड मतलब माँ बाप से आता है बच्चे के अंदर. ओके इट्स फ्रॉम पासिंग ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन फ्रॉम ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफ स्प्रिंग इट कम्स ऑन. तो ऐसी कौन सी डिसऑर्डर है जो कि इनहेरिटेड है जो कि अक्वायर्ड नहीं है. इनहेरिटेड होना चाहिए अक्वायर्ड नहीं होना चाहिए. एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ऑप्शंस देख लेते हैं. टेटनी मस्कुलर डिस्ट्रोफी माइस्थीनिया ग्रेविस एंड बॉट्यूलिज्म. माइस्थीनिया ग्रेविस एंड बॉट्यूलिज्म. तो इसमें आंसर हो जाएगा मस्कुलर डिस्ट्रोफी इज द करेक्ट आंसर. बाकी लोग को हम देखेंगे. टेटनस जो है ये क्लॉस्ट्रिडियम टिटानी की वजह से होता है. ये पॉइजन सिक्रीट कर देता है क्लॉस्ट्रिडियम टिटानी. तो ये बैक्टीरिया से है डेफिनेटली. तो ये अक्वायर्ड है ये इनहेरिटेड नहीं है. माइसिनिया ग्रेविस से हमको बिग बी को याद करना है. अमिताभ बच्चन इज सफरिंग फ्रॉम माइसिनिया ग्रेविस. आई डोंट नो विद द क्योर्ड और नॉट बट इट्स अ मस्कुलर यू नो. इसमें जो है माइसिनिया ग्रेविस का एक्चुअली मतलब ही ये होता है ग्रेव मसल वीकनेस. ओके इसमें बहुत ज्यादा मसल वीकनेस होता है. और ये जो इसमें जो वुमेन होती है यंग वुमेन और इन द 20s and 30s आर अफेक्टेड. बट माइसिनिया ग्रेविस अफेक्ट्स ओल्डर मैन इन द 60s and 70s. ओके अमिताभ बच्चन इज द एग्जाम्पल फॉर अस. तो यहाँ पे जो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है इसमें हमारी जो स्केलेटल मसल जो है ये वीक होने लगती है. और माइसिनिया ग्रेविस में जो है ये हमारी आईलिड्स जो है ये ड्रूप डाउन हो जाती है. जिसको हम बोलते हैं टोसिस. और डबल विजन होता है जिसको हम बोलते हैं डिप्लोपिया. तो और बॉट्यूलिज्म जो हमको पता है क्लॉस्ट्रीडियम क्लॉस्ट्रीडियम की वजह से होता है. क्लॉस्ट्रीडियम स्पीशीज की वजह से होता है. हमारा जो फूड पॉइजनिंग जो होता है फूड पॉइजनिंग होता है क्लॉस्ट्रिडियम बॉट्यूलिनम की वजह से. तो आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा मस्कुलर डिस्ट्रोफी जो हमको पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग में आता है. एंड इसमें क्या होता है हमारे जो मसल्स है पुअरली नरिश होते हैं. और ये जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से होता है. जेनेटिक म्यूटेशन हो रहा है बॉडी के अंदर तो उसकी वजह से होता है. तो आंसर अपना वो हो जाएगा. सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स आर रिक्वायर्ड टू मूव पार्टिकल्स और म्यूकस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन. इन ह्यूमंस दीज सेल्स आर मेनली प्रेजेंट इन कहाँ कहाँ पे ये सेल्स होते हैं जो कि जिनके पास जो है ये सीलिया प्रेजेंट होता है इनके अंदर. ऑप्शंस आर बाइल डक्ट एंड ब्रोंकियोलिस. सेकंड फिलोपियन ट्यूब्स एंड पैनक्रियाटिक डक्ट. थर्ड स्टेशियन ट्यूब एंड सलाइवरी डक्ट. फोर्थ जो है ये है ब्रोंकियोल्स एंड फिलोपियन ट्यूब. तो आंसर यहाँ पे आई एम गोना गिव यू टंग ट्विस्टर्स एक्चुअली आई एम गोना गिव यू 3 seconds. Come on, try answering it for yourself. You can also pause or you can fast forward the video. All up to you. I give you the freedom. ठीक है चलो. तो आंसर यहाँ पे हो जाता है स्टूडेंट्स व्यूअर्स ब्रोंकियोल्स एंड फिलोपियन ट्यूब इज द करेक्ट आंसर. क्योंकि ब्रोंकियोल में अगर कोई पार्टिकल अंदर आया है तो उसको पार्टिकल को हमको कहाँ थ्रो करना है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बॉडी के बाहर. अगर डस्ट पार्टिकल आ गया है कुछ कचरा आ गया है यू नो नाक के अंदर मुंह के अंदर तो हमको क्या करना है उसको थ्रो आउट करना है. तो उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमको स्प्रेड करना है. पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमको थ्रो करना है. पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमको उसको फेंकना है बाहर. तो ब्रोंकियोल्स में सिलिएशन होना चाहिए सिलिया प्रेजेंट होने चाहिए. एंड फिलोपियन ट्यूब जहाँ हमारे जो बॉडी होती है ठीक है ये फीमेल बॉडी. तो यहाँ से क्या होता है एग को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करवाना है यूट्रस में लाना है इसको. इस्थमस से पास होता है और फिर एम्पुला से पास होता है. यहाँ हमको एग सेल को लाना है ताकि जब स्पर्म आएगा तो यहाँ पे आके फर्टिलाइज होता है. तो इसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमको मूव कराना होता है. तो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4 ब्रोंकियोल्स एंड या फिलोपियन ट्यूब. ओके ठीक है. आई शुड बी सिटिंग विद माय वाटर बॉटल एक्चुअली. चलो दो ही क्वेश्चन बाकी है चलते हैं आगे. ओके या मैच द फॉलोइंग. पी वेव क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स टी वेव रिडक्शन ऑफ द साइज ऑफ टी वेव डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स कोरोनरी इस्कीमिया
डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, रिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया. तो यहाँ पे मैं डायग्राम ड्रॉ करने वाली हूँ जिसके लिए मुझे स्पेस चाहिए. ओके परफेक्ट. सो वी हैव गॉट हियर, यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया. ईसीजी के बारे में हम बात कर रहे हैं. ईसीजी के बारे में रिलेटेड टू व्हाट इज ईसीजी? इट रिकॉर्ड्स द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फ्रॉम योर हार्ट टू चेक द डिफरेंट हार्ट कंडीशन. और जो इलेक्ट्रोड्स हमारे चेस्ट के ऊपर प्लेस करते हैं, तो जो ये मैं यहाँ पे मार्क कर देती हूँ, जो ये पी वेव है, ओके, ये इन्वॉल्व होता है एट्रियल डीपोलराइजेशन. पी वेव एट्रियल डीपोलराइजेशन. क्यू आर एस इट इज फॉर वेंट्रिक्यूलर डीपोलराइजेशन. ओके, यहाँ पे इसके बाद आता है टी वेव. आता है टी वेव इज फॉर वेंट्रिक्यूलर रीपोलराइजेशन. ठीक है, तो अगर ये जो टी वेव में क्या हो रहा है, क्वेश्चन क्या पूछा है, टी वेव में अगर फ्लैटनिंग है, अगर टी वेव जो है वो थोड़ा फ्लैटन हो गया है, तो इसका रीजन क्या है? उसका रीजन एक्चुअली हमको मार्क करने बोला था, तो ये मैंने बता दिया है. टी वेव का जो रिडक्शन है साइज में इज बिकॉज ऑफ कोरोनरी इस्कीमिया. कोरोनरी इस्कीमिया क्या है? ए मायोकार्डियल इस्कीमिया है, जिसमें जो है हमारी जो कोरोनरी इस्कीमिया, मायोकार्डियल इस्कीमिया, ये सिर्फ सिंपली इसको इस्कीमिया बोलते हैं. एज अ मेडिकल टर्म फॉर द रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो थ्रू द कोरोनरी आर्टरी. तो कोरोनरी आर्टरी में जो फ्लो है ब्लड का वो कम हो जाता है. इट इज लिंक टू हार्ट डिजीज एंड हार्ट अटैक्स. ओके, तो ये जो है टी वेव जो है वो कम हो जाती है. तो हमको पता चलता है ईसीजी निकालने के बाद, अगर टी वेव छोटी है तो जो है कोरोनरी इस्कीमिया हो सकता है, और जो है हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ सकते हैं. ऑप्शन नंबर 1 इज गोइंग टू बी द आंसर. यू हैव टू टेक योर ऑन स्वीट टाइम टू लुक फॉर द यू नो मैच करके खुद देख लेना. आगे हम लोग चलते हैं इसके साथ ही. या सो वी हैव गॉट दिस क्वेश्चन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी. इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब होता है कि जहां पे वो ऑर्गेनिज्म रह रहा है वहीं हम उसको कंजर्व कर रहे हैं. एक्सीटू इज ऑफ साइट, जहां पे ऑर्गेनिज्म है वहां पे उसको हम कंजर्व नहीं कर रहे. एग्जाम्पल इज जूज, यू नो एक्चुअली जू, ओके जूज इज समथिंग, फॉरगेट इट. बोटानिकल गार्डन ऑफ साइट है. ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेंगे हम लोग. बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बोटानिकल गार्डन, सेक्रेड ग्रूव. तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा बोटानिकल गार्डन. So we have covered all the 15 questions, and thank you for watching. Thank you for those who made up till the end. Subscribe to the channel, hit the bell icon. 20-45 days ka hamara session hai NEET ka. Isme hum roz ek video upload karenge jahan pe 15 questions honge har video mein, aur fir ye jo daily upload karungi main 15 questions from previous year NEET. To 45 days ka hai, to exam aate aate kafi questions hum cover kar chuke honge. और अगर आपको चाहिए कि स्पेसिफिकली मैं कोई टॉपिक पे ज्यादा एक्सप्लेनेटरी वीडियो बनाऊं, तो वहां पे भी आप जाके कमेंट कर सकते हैं नीचे इन द कमेंट सेक्शन. ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, कीप सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, हिट द बेल आइकन सो दैट यू बी नोटिफाइड एवरी डे बिफोर द एग्जाम यू नो इज ऑन योर हेड. ओके, तो 45 डेज का ये कोर्स है, इसको आप डेली आके देखें. डेली आई एम गोइंग टू अपलोड अ वीडियो, 15 क्वेश्चंस ईच. एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो भी बता देना. आई एम गोइंग टू मेक अ पॉइंट एज फार एज पॉसिबल. आई ट्राई टू डू दैट, ट्राई टू हेल्प यू ऑल. एंड या बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर टुमारो.